Hello friend, I myself Sujit Jha, physics mentor, motivational speaker and author. In this video we discuss about question number 2 of IEROADOV. A point traversed half the distance with a velocity v0. The remaining part of the distance was covered with the velocity v1 for half the time and with velocity v2 for other half of the time. Find the mean velocity of the point averaged over the whole time of motion. इस प्रॉब्लम में ऑथर कहना चाहते हैं कि एक पॉइंट है जो हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है वी नॉट वेलोसिटी के साथ, और हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो वी वन वेलोसिटी से मूव करता है हाफ टाइम के लिए. मींस यदि यहां से यहां तक पहुंचने में उसको टी टू टाइम लगा है और यहां से यहां तक पहुंचने में उसको यदि टी वन टाइम लगा है, यहां से यहां तक पहुंचने में टी वन टाइम, यहां से यहां तक पहुंचने में टी टू टाइम, तो टी टू बाई टू टाइम के लिए ये बी वन वेलोसिटी के साथ मूव करता है, और टी टू बाई टू मीन्स हाफ टाइम इंटरवल के लिए फिर से ये वी टू वेलोसिटी के साथ मूव करता है. कैलकुलेट करना है इसका एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए. सपोज दैट यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस है 2s, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा s और ये डिस्टेंस हो जाएगा s. ठीक है, इसका मतलब v नॉट इंटू टी वन इक्वल्स टू s आ जाएगा. ठीक है, फिर v1 वन इंटू टी टू बाई टू प्लस v2 टू इंटू टी टू बाई टू इक्वल्स टू ये भी एस आ जाएगा. ठीक है, टी टू बाई टू यहां से कॉमन कर ले, तो टी टू बाई टू टू भी वन प्लस भी टू इक्वल्स टू एस आ जाएगा. तो यहां से टी टू का वैल्यू आ गया एस बाई टू एस बाई भी वन प्लस भी टू, ये टी टू का वैल्यू आ गया. टी वन का वैल्यू एस बाई भी नॉट आ जाएगा. इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं. एवरेज वेलोसिटी जो कैलकुलेट होगा वो टोटल डिस्प्लेसमेंट 2s बाई टोटल टाइम t1 प्लस t2 इसके बराबर होगा. तो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू 2 इंटू एस बाई t1, तो t1 का वैल्यू आ चुका है एस बाई भी नॉट प्लस टी टू का वैल्यू आ चुका है टू एस बाई भी वन प्लस भी टू, टू एस बाई भी वन प्लस भी टू ये आ जाएगा. एस कॉमन लेके आप काट सकते हैं, तो ये इक्वेशन आ जाएगा टू इंटू भी भी वन प्लस भी टू इंटू भी नॉट बाई भी नॉट टू भी नॉट प्लस भी वन प्लस भी टू, ये इसका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा.